सबसे बड़ी बात है कि आप एक चिड़िया को घर दे रहे हैं, और घर देना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का काम है। आप किसी को घर देते हैं तो उससे बड़ी ब्लेसिंग और हो नहीं सकती, मुझे लगता है उससे ज़्यादा मुझे और चाहिए भी नहीं। हम लोग चांदनी चौक में रहा करते थे, और आगरा से आए थे तो चांदनी चौक शिफ्ट हुए थे सीधा। तो मेरा जो घर था उसमें जो टॉप फ्लोर था पुरानी दिल्ली के अंदर, वहाँ टीन की एक शेड लगी हुई थी। तो मेरा काम होता था स्कूल से आने के बाद मैं सीधा छत पर चला जाता था, और एक टोकरी मैंने ऐसे ले रखी थी, उसमें एक डंडी लगा के उसमें थोड़ा सा दाना डाल के और मैं बैठ जाया करता था रस्सी बांध के डंडी के अंदर। और चिड़िया बहुत थी वहाँ पर और गौरैया बहुत थी, तो गौरैया उसमें अंदर जाती थी और मैं डंडी खींच दिया करता था, वो बंद हो जाती थी, फिर मैं हाथ डाल के उसको निकालता था। निकालने के बाद उसको खूब अच्छे तरीके से कलर लगाता था, डिफरेंट कलर जो घर से नीचे से लेके जाता था, और लगा के उसको फिर मैं उड़ा दिया करता था। ये कहानी शायद उस समय उड़ाने की तो बहुत अच्छी लगती थी, पर ये नहीं पता था कि बाद में खुदा वही काम मुझे सौंपेगा कि जिस चिड़िया को तूने उड़ाया था उस चिड़िया को वापस लेके आया। तो मेरा बचपन बेसिकली ऐसा बीता था, सबको पता था कि इसको चिड़ियों के बारे में बहुत पता, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। पर हाँ, चिड़िया गौरैया जब भी कभी कोई मर जाती थी या कोई घायल हो जाती थी तो मुझे बुलाया जाता था, जब डॉक्टर को बुलाओ भी वो बताएगा इसके अंदर। अब इस चिड़िया से लोग बहुत कनेक्टेड होते थे दिल से। आपके घरों के अंदर पंखों के कोठर होते थे, बिजली के बॉक्स होते थे, उनमें ये घोंसला बनाया करती थी, और घर के बुजुर्ग नॉर्मली यही कहा करते थे कि देखो पंखा मत चलाना, उसने बच्चे दे रखे हैं ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि कट जाए तो पाप चढ़ेगा, तो बहुत ध्यान रखते थे। फिर धीरे धीरे लोगों का जुड़ाव इससे ख़त्म होता चला गया। 1980 के अंदर जब क्लाइमेट चेंज और ये बड़ी बड़ी बातें होने लगी थी, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब तब शुरू हुई थी, उस समय वो नारियल आना शुरू हुआ था हरा वाला पीने का। तो हम लोग उस नारियल को ले लिया करते थे, और नारियल को ले कर हम लोग उसको अंदर से खाली करके उसमें अखबार डाल दिया करते थे, और उसको पेड़ों पर अटका दिया करते थे कि ताकि चिड़िया आए तो इसमें जाके अंदर बैठे। ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, पर नेचर में वही चीज़ थी दिमाग के अंदर कि नहीं कुछ करना है इनके लिए। तब फोटोग्राफी करता था, और उसके बाद अचानक फिल्म मेकिंग में कूद पड़े, बॉम्बे चला गया। फिर पता नहीं क्यों 2004 या 5 के अंदर मन उचट गया, फिर मैं नौकरी छोड़ के वहाँ से रिलायंस की वापस आ गया। 2008 के अंदर अचानक लगा कि अपना NGO खोलना चाहिए, लेकिन वो खोलते खोलते भी 4 साल लग गए। तब फिर 2012 में जाके ये इकोरूट फाउंडेशन की स्थापना करी। 26 मार्च को पैनासोनिक ने मुझे पहली बार क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में थिएटर करने के लिए अराउंड 50 लाख रुपीस दिए कि आप थिएटर करिए बच्चों के साथ। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो इंडिपेंडेंट मैंने करा, 1,12,000 बच्चों ने किया उसके अंदर। वो पहला अटैम्प्ट था जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में गया, वो यात्रा की शुरुआत थी बेसिकली। उसके बाद फिर अब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब मैं ये काम कर रहा था घोंसला बनाने का, तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काम करता था, तो गढ़ी मांडू एक छोटा जंगल है, मैं वहाँ काम किया करता था जाके, तो वहाँ घास पड़ी रहती थी, तो मैं घास के खूब सारे ऐसे गोल करके हाथ से ऐसे मुट्ठी करके और कटोरे की तरह घोंसले लगाया करता था। तो वहाँ एक बहुत बुज़ुर्ग माली थे, ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था जो मेरे को पहली बार एक सबक मिला। तो वो देखते रहते थे, एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे इधर आओ। उनका अच्छा, वो रिटायरमेंट की अर्ज पे थे, शायद 60 साल के हो चुके होंगे। तो उन्होंने मुझे अपने पास से पुराना 100 का नोट और 1 रुपये का एक सिक्का दिया। उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हें बहुत बरकत रहेगी, क्योंकि तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया, और तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। लॉकडाउन के टाइम में भी मैंने इतनी ऑनलाइन वर्कशॉप्स करी हैं, और उस ज़माने में तो मैं करते ही था जब लॉकडाउन नहीं था, और इसी लॉकडाउन के अंदर ही अंदर रहते रहते मैंने कम से कम 3,000 से ज़्यादा घोंसले बनाए और लोगों को भेजे जो मांग रहे थे। 2010 के अंदर जब मैंने पहली बार एक कस्बे के अंदर यहीं नज़दीक घोंसला लगाया था, 4 दिन तक मैं कैमरा लेके बैठा रहा वहाँ, कुछ नहीं हुआ उस घोंसले में, एक चिड़िया तो क्या, मक्खी भी नहीं आई। 4th दिन उसके अंदर एक मेल आया, वो बैठा, उसने अंदर झांका, नीचे झांका, ऊपर झांका, सब तरफ से झांका, फिर वो उड़ गया। हमने ये वाला भी लगाया जो घास से जूट से बनाते हैं, तो उसने वो वाला अडॉप्ट करा और वो आया, एक तिनका लेके अंदर गया। वो शायद एक सक्सेस था कि अब लगा कि हाँ ये सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद नहीं रुका, उसके बाद इसलिए नहीं रुका कि मैंने टोल ब्रिज के ऊपर जब पहली बार 150 घोंसले लगाए, ट्यूसडे को लगाए थे, और वेडनेसडे को जाके देखा तो लोग फोटोग्राफ कर रहे थे, हर घोंसले के अंदर चिड़िया आ गई थी। ये 2 टर्निंग पॉइंट है जिन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, हमें नेचर के लिए कुछ करना चाहिए, और नेचर गिव बैक टू अस, तो हमें वापस मिलेगा, और मुझे मिला। और शायद मैं पूरे वर्ल्ड में, मेरे को लगता है, अकेला ऐसा आदमी होगा जो इस तरीके से हाथ से घोंसले बनाता है, और कोई नहीं बनाता, सब लकड़ी के बनाते हैं या कुछ बनाते हैं। शुरू में तो लोगों ने कहा कि बेकार की चीज़ है, चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है, आपके घोंसले में कैसे आ सकती है। लेकिन जब हम उनको पहली बार हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ भेजी, तो उनको लगा कि नहीं, वाकई चिड़िया को घोंसले की ज़रूरत है।
चिड़िया बुशेज में घर बनाती थी, बोगनविलिया हो गया, और भी बहुत सारे बुशेज या छोटे लोकल पेड़ जो होते हैं। कनॉट प्लेस की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोकल पेड़ बहुत थे वहाँ। अगर पुरानी फोटोग्राफ आप कभी सर्च करेंगे, आपको स्पैरोस के झुंड दिखाई देंगे वहाँ पैरों उस पेड़ों पर बैठे हुए, अब नहीं दिखते, अब सिर्फ वाए पत्थर के है क्या। इसी के बीच में हम लोगों ने ये ईजाद करा है, ये बहुत एक कमाल की चीज़ है। ये रैक पिकर्स हमारे लिए इकट्ठा करते हैं, फ्रूटी के डिब्बे हैं, इनको कंप्रेस करके हम इससे इस तरीके के बर्ड हाउस बनाते हैं। ये 100% रिसाइकल है, ये मैंने कपिल के शो में भी दिखाया था, ये 100% रिसाइकल है। हाँ, हम बर्ड हाउसेस बनाते हैं, बर्ड हाउसेस देते हैं, तो लोगों ने कहा कि क्या बर्ड हाउस के साथ चिड़िया भी देते हैं। एक ये भी एक किस्सा है कि मतलब लोगों को मालूम नहीं है कि बर्ड हाउस बनाने का, बर्ड हाउस लगाने का मतलब ये है कि उसमें चिड़िया आए। आपने एक पेड़ काटा, हरियाली काटी, घास काटी, छोटे पौधे काटे, बड़े पौधे काटे, तो आपने कितने सारे पक्षियों के घर काट दिए। तो इस जर्नी में, मतलब मेरे जीवन की जो जर्नी है उसमें मैंने ये सीखा और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है पर्सनल, कि जब इंसान है, इंसान के साथ साथ ही तो पर्यावरण है और पर्यावरण का एक हिस्सा ही तो इंसान है। तो अगर वो समन्वय हम लोगों के बीच में होगा कि जानवरों को भी रहना है, पक्षियों को भी रहना है, इंसान को भी रहना है, तभी हम मिलके रह सकेंगे। और ये कहने की बात नहीं है कि एक अच्छी दुनिया में रहेंगे। जूट और ये वाला है, ये ज़्यादा हम लोग अब एम्फेसिस कर रहे हैं कि इसको लगाया जाए, क्योंकि ये रोज़गार भी दे रहे हैं हम लोग कुछ लोगों को। ये तो रैक पिकर्स को भी देते हैं पैसा, जो बनाता है बोर्ड उसको भी, कारपेंटर को भी देते हैं, तो 3-4 लोगों की रोजी रोटी चलती है। वो वाला हम खुद बनाते हैं, पर उसको बनाने के लिए हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखा है कुछ महिलाओं का, जो हमारे लिए वो डंडियाँ बेंट के ये सब इकट्ठा करती हैं। ये जैसे ये रखा है, ये वाला हम इसको भी कलर कर देते हैं। ये वही है, इसके ऊपर हमने कलर कर दिया है, थोड़ा सा डेकोरेटिव लगता है। इसलिए 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ चुका है, 1 बार हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन के अंदर ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला, IUCN का मेंबर हूँ मैं, 2nd-4th क्लास की ICSE बोर्ड की जो इंग्लिश की बुक है कोर्स की, उसके अंदर एक चैप्टर है मेरे ऊपर। मुझे लगता है जीते जी किसी के नाम पे अगर एक चैप्टर आ जाता है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2nd, इस लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया के कोविड से लड़ रही है, तो मुझे ताइवान से $10,000 का एक अवार्ड मिला है, जो इस काम के लिए मिला है कि मैंने जो काम करा उसके लिए उन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया। तो मुझे लगता है यही उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक चिड़िया को घर दे रहे हैं, और घर देना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का काम है। हम तो बहुत खुश हैं, मतलब राकेश जी की इस मेहनत से और इस विजन से, कि वो जो उनके दिमाग में आया कि मैं ये काम करूं, है ना। और हमने प्रोफेशनली नहीं लिया था ये काम, कि हम ये काम करेंगे तो ये हमारा एक प्रोफेशन बन जाएगा, ऐसा नहीं सोचा था। पर वो बढ़ते बढ़ते, वही है कुदरत, भगवान है, परमेश्वर है, कि बढ़ते बढ़ते ये काम इतना अच्छा हो गया और हम बहुत खुश हैं इस काम से। मेरा मैसेज यही है कि नेचर एक बहुत कीमती चीज़ है, और अगर हम उसको नहीं संभालेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हम नेचर को अभी नहीं संभालेंगे तो मुझे लगता है हर आदमी को अपने स्तर के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा काम, क्रिएटिविटी का या कोई एक कंस्ट्रक्टिव काम ऐसा करना चाहिए, या आप समझ लीजिए जैसे मेरी लाइन है कि कंजर्वेशन मस्ट कम बिफोर रिक्रिएशन।